तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या इसरो सी लॉन्च कर सकते हैं, यानी समंदर से लॉन्च कर सकते हैं रॉकेट को, और क्या चैलेंजेस आएंगे और एडवांटेजेस क्या होंगे। ये आइडिया मेरे को तब आया जब अमित भाई, यानी अपने डिफेंस डिकोड चैनल के काफी ज्ञानी इंसान है, उन्होंने एक पोस्ट डाला था ट्विटर के ऊपर चाइना के सी लॉन्च को दिखाते हुए। तो तभी मेरे को ये आइडिया आया इस वीडियो का। तो इस वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा होगा, पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम दूसरे देश क्या कर रहे देखेंगे, और उस दूसरे देश के लॉन्चेस जब हम देखेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि डिसएडवांटेजेस क्या है सबके। तो चलिए जानते हैं। तो आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जहाँ पे मैं इसरो के नए स्पेसपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट उस वीडियो से रिलेटेड है, वरना पूरा घूम जाओगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, देख के वापस आ जाना। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर सपोज हमें 0 डिग्री लॉन्च करना है, मतलब इक्वेटोरियल, एग्जैक्ट इक्वेटोरियल लॉन्च करना है, तो हम सीधा इक्वेटर के पास लेके जा सकते हैं बोट को और फिर वहां से लॉन्च कर सकते हैं रॉकेट को। काफी सारा फ्यूल बचेगा, वरना हमें 2 मैन्यूवर करने पड़ेंगे, एक लॉन्च के और फिर एक ऑर्बिटल इंक्लिनेशन चेंज ऑर्बिट में, उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल वापस लगेगा। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है, प्लस पोलर लॉन्चेस कहीं से भी कर पाएंगे हम। प्लस मैंने एक चीज लास्ट टाइम बोलना भूल गया, जो SSP ऑर्बिट है वो थोड़ा रेट्रोग्रेड ग्रेड है, मतलब वो थोड़ा पीछे जाता है धरती के, तो 98 डिग्रीज के आसपास, तो वो भी हम आराम से कर पाएंगे। और सपोज अगर इसरो को कोई सीक्रेट लॉन्च करनी है मिलिट्री के लिए और उन्हें रिवील नहीं करना है, यूजुअली क्या होता है, अगर आपको सिविलियन एयर स्पेस के आसपास कोई लॉन्च करना है या मिसाइल टेस्ट वगैरह करना है, तो आपको एक नोटम जारी करना पड़ता है। नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन। तो ये हैजार्ड जोन्स डिक्लेयर करता है कि यहाँ प्लेन नहीं उड़ सकता। ये नोटम देख के पता लग सकता है कि कोई मिसाइल लॉन्च टेस्ट होने वाला है उस एरिया में या नहीं, या रॉकेट लॉन्च होने वाला है। तो अगर इसरो को कोई सीक्रेट लॉन्च करना है या सीक्रेट टेस्ट करना है, तो बिंदास अपने बोट पे लेके जा सकती है किसी ऐसे एरिया में जहाँ एयर स्पेस नहीं है, और वो टेस्ट कर सकती है बिना नोटम इशू किए। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है, पर आगे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं दूसरे देश क्या कर रहा है एग्जैक्टली। चाइना का ये आपने पता नहीं कहीं ना कहीं देखा होगा वीडियो, बार्ज से लॉन्च किया उन्होंने रिसेंटली उनका लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट। तो ये बार्ज से ऊपर आता है फिर अपने प्रॉपर स्टेजिंग में जाता है, करीब 4 स्टेज का रॉकेट है ये। इसके मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो है वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है। इसका मतलब ये है कि इसे फ्यूल अप नहीं करना पड़ता, इसमें फ्यूल नहीं भरना पड़ेगा, और फ्यूल अप करके ही इसे बार्ज पे डाल के ला सकते हैं। तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं बार्ज के, क्योंकि उसे फ्यूल वगैरह हैंडल नहीं करना है अभी। तो सिमिलर प्रॉब्लम हमारे PSLV और GSLV को आएगा। PSLV को अगर हम बार्ज पे डालते हैं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो है वो सॉलिड है, एक्सेप्ट 4 स्टेज जिसे हम पहले ही फ्यूल अप कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट यूज करता है, उसका कोई इशू नहीं होगा। पर एक इशू है कि ये रॉकेट बहुत बड़ा है, PSLV 40 मीटर से ज्यादा ऊंचा है वो, और जब आपका वेट जितना ऊपर आता है उतना आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर आएगी, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी जैसे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आती है। तो ये एक इशू हो सकता है बहुत बड़ा। सेकंड इशू है कि स्पेसक्राफ्ट के लिए भी एयर कंडीशनिंग वगैरह सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। बेसिकली जो लॉन्च पैड से जो अम्बिलिकल्स कनेक्ट हो रहे हैं वो वायर्स वगैरह, काफ़ी सारे ट्यूब्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स को वगैरह ठंडा रखते हैं, तो उसको काफ़ी एनर्जी लगती है, तो उस बार्ज में काफ़ी अच्छा एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए, वो एक चैलेंज हुआ। और ये तो बस PSLV हुआ जो सबसे इजी है लॉन्च करना। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का लॉन्ग मार्च 11 करीब 58 टन्स का है। फॉर रेफरेंस जो हमारा Agni-5 मिसाइल इंडिया का ICBM वो 50 टन्स का है, तो बहुत छोटा रॉकेट है वो देखा जाए तो। और फुल्ली लोडेड PSLV का वेट, मतलब XL वेरियंट जहाँ 6 ट्राइपॉन बूस्टर्स होते हैं, उसका 320 टन्स है। तो इसके लिए एक बार्ज डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, एक छोटा सा बार्ज या ऐसे कुछ डिजाइन करना, इसके लिए एक अलग ही एक नया टाइप ऑफ ये लगेगा। GSLV की तो बात ही नहीं करनी मेरे को, क्योंकि उसके लिए तो क्रायोजेनिक फ्यूल वगैरह लगेगा, और वो फ्यूल टैंक्स में स्टोर करना, उसे ठंडा रखना, वो सब इशू है। तो GSLV की बात ही नहीं करते यहाँ पे। GSLV को बार्ज से लॉन्च करना बहुत डिफिकल्ट होगा। पर एक और कंपनी है जो काफी बड़ा सी लॉन्च प्लेटफॉर्म यूज करती है, और उस कंपनी का नाम ही है सी लॉन्च। अभी सी लॉन्च कंपनी की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, वो 1990 से एग्जिस्ट करते हैं, 30 से ज़्यादा लॉन्च कर चुके हैं वो लोग। पहले ये रशिया की एनर्जिया और बोइंग वगैरह ओन किया करते थे, फिर रिसेंटली रशिया की जो S7 एयरलाइंस कंपनी, उन्होंने इसको खरीदा। पहले US में स्टेशन था ये, अभी रशिया आ चुका है। आप देख ही सकते हो काफ़ी बड़ा रिग है ये, अपने ऑयल रिग्स वगैरह देखे तो उसी से डिराइव्ड है। इसके साथ उसके एक सपोर्ट शिप भी आती है, ये पहले जेनिथ रॉकेट लॉन्च किया करता था जो यूक्रेन का योजनो डिज़ाइन ब्यूरो, उन वो बनाते थे कुछ स्टेजेस उसके। फॉर अ फैक्ट योजनो डिज़ाइन ब्यूरो
ये इंडिया का SC-200 इंजन भी हेल्प कर रहा है इसरो को बनाने में, मतलब उनका ही डिज़ाइन हो बेसिकली। मुझे पता है SC-200 के ऊपर मेरा एक वीडियो आना है, मैंने स्क्रिप्ट तो पिछले साल ही लिखी थी पर मेरे को सेटिस्फाइंग नहीं लगी, थोड़े और इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहा हूँ मैं। तो इसी बहाने सब्सक्राइब कर दो और सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करना ताकि आपको अपडेट्स मिले। तो ये काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है और देख ही सकते हो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वो। इसका लास्ट लॉन्च 2014 में हुआ था, उसके बाद एक भी लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि तभी एक फेलियर हुआ था 2013 में, उसके बाद ट्रस्ट हट गया सॉर्ट ऑफ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से और अभी तक तो कोई लॉन्चेस नहीं हुए। और रशिया और यूक्रेन के प्रॉब्लम की वजह से वो जेनिथ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर और यूज़ करना भी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगा इस रशियन कंपनी के लिए। तो फिर अभी वो पड़ा रहेगा पोर्ट के ऊपर कुछ सालों के लिए क्योंकि रशिया अपना सोयूज़ 5 बना रही है जो इसके ऊपर लॉन्च करने का प्लान है, पर वो इतने जल्दी नहीं, वो 2025 का टारगेट रख रहे हैं। तो कुछ सालों के लिए तो शायद ये ऐसे ही पड़ा रहेगा वहाँ सड़ता हुआ या जो भी है मेंटेनेंस के अंदर। तो ये है चैलेंजेस। सी लॉन्च ये लगता तो ल्यूक्रेटिव है राइट, मतलब मस्त आइडिया है एकदम इक्वेटर के पास जाके लेना, पर काफ़ी डिफिकल्टी है इसमें। देखो पहले तो आपको रॉकेट को डालना है उसके ऊपर, वो एक बड़ा चैलेंज है। क्रेन से डालोगे या सेपरेटली हर एक स्टेज डालोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर उस पूरे प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कैसे मेंटेन करोगे वरना अनस्टेबल हो जाएगा, फिर आपको वेदर देख के सी लॉन्च करना है या लॉन्च को लेके जाना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डिसाइड करते हो और अगर कोई हरिकेन या साइक्लोन जो भी आ गया तो फिर और एक बड़ा इशू हो जाएगा। अगर वो क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करता है तो फिर उसको ठंडा रखना एक बड़ा इशू है, बहुत सारा एनर्जी कंजम्पशन, आपके लोगों को उस बार्ज के ऊपर काम करना है, फिर एक सेपरेट शिप में बैठ के दूर जाना है ताकि सेफ रहे वो, शिप को एक्टिवली स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा राइट, अननेसेसरी काम हो जाता है ये एक्स्ट्रा। इस पॉइंट पे सोचने पड़ते कि क्या ये वर्थ है। अगर ये एक मिसाइल प्लेटफॉर्म होता है तो डेफिनेटली वर्थ है क्योंकि आपको सीक्रेटली लॉन्चेस और टेस्ट करने मिलेंगे, पर क्या ये एज अ रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म वर्थ है? अगर आप रशिया और चाइना की ज्योग्राफी देखोगे तो उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है ये, क्योंकि उनके लैंड से लॉन्चेस होते हैं और वो अपने स्टेजेस लैंड के ऊपर ही ड्रॉप करते हैं, कभी कभी कुछ गांव के आसपास ड्रॉप हो जाता है। कुछ लोग मेरे को प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स में पूछ रहे थे कि श्रीलंका के ऊपर क्यों नहीं लेके जा सकते, इसी कारण की वजह से, वरना PSLV की स्टेजेस श्रीलंका के ऊपर गिरने के चांसेस है। रशिया और चाइना बेसिकली फोर्स्ड है ये प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, पर इंडिया के पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट दोनों काफ़ी ओपन है और हम आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। हम ये भी सोच सकते हैं कि एक बार्ज लॉन्च जो है वो SSLV के लिए परफेक्ट हो सकता है, पर हमारे पास एक ऑलरेडी लॉन्च पोर्ट बन रहा है और लॉन्च या लैंड पोर्ट हमेशा सस्ता होगा एक बार्ज डेवलप करने से पहले। बार्ज डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। रॉकेट है, एक बार आपने डिप्लॉय किया उस पूरे बार्ज को स्टेबल भी रखना है थ्रस्टर्स यूज़ करके, क्योंकि फिर आपका गलत लॉन्च होने का इश्यूज है, तो उसे स्टेबल भी रखना है। SSLV के लिए हमारे पास एक है लैंड लॉन्च पैड तो वो यूज़ कर सकते हैं, वो सस्ता भी पड़ेगा बनाने के लिए, और अगर कुछ होता है जस्ट इन केस या एक्सप्लोजन या कुछ फेलियर होता है तो एक लैंड लॉन्च पैड को रिप्लेस करना ज़्यादा सस्ता होगा एक पूरे शिप को रिप्लेस करने से और टाइम भी कम लगेगा। तो बेसिकली दो शब्द में या एक वर्ड में या सेंटेंस में कहूँ तो अगर आपके दोनों हाथ अच्छी तरह काम करते हैं तो बिना मतलब पाउजे खाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म और क्या चैलेंजेस मिसाइल के लिए वो अमित भाई आपको ढंग से बता पाएंगे, पर रॉकेट पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए एक सी लॉन्च उतना पॉइंट नहीं करता है, उतना लाइक एडवांटेज नहीं देता है। और SSLV पे इक्वेटोरियल लॉन्चेस तो बहुत ही कम होंगे, तो SSLV के लिए जो तुर्तीकोडी में बन रहा है लॉन्च पोर्ट वो परफेक्ट है। SpaceX ने रिसेंटली एक जॉब अनाउंसमेंट किया था एक ऑफशोर फैसिलिटी के ऊपर काम करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि जो उनका स्टारशिप बन रहा है वो बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करेगा और अगर उन्हें वो अर्थ टू अर्थ ट्रैवल यानी सिटीज़ के बीच वो रॉकेट्स ट्रैवल करवाने वाले हैं पैसेंजर्स को तो फिर नॉइज एक बहुत बड़ा इशू होगा, तो उस केस में हम समझ सकते हैं। पर इससे ज़्यादा डिटेल्स इलॉन मस्क ने दिए नहीं ट्विटर के ऊपर। काफ़ी लोग मेरे को स्टारशिप के ऊपर वीडियो बनाने बोल रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं इंटरनेट के ऊपर, पर अगर आपको स्टिल चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने इनफैक्ट रोहन जो बेलेट्रिक्स के CEO है और पवन जो स्काईरूट के CEO इनसे भी जब बात की थी तो यही पूछा था, तो मैंने उनसे बात वो इनस्पेस के अनाउंसमेंट से पहले की थी, तो रोहन ने क्लियरली कहा था कि वो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है और वो इतना नहीं लेना चाहते हैं, नॉट वर्थ इट। पवन ने कॉन्फिडेंस जताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ओपन अप करेगा ये पूरा लॉन्च सर्विसेज, जो हुआ फिर उसके बाद। तो ये है, आई होप आपको मज़ा आया इस वीडियो में, काफ़ी जनरल वीडियो था पर अब ठीक है। ज्वाइन बटन दबा देना, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकिया, चैतन्या, जयम, हरजिंदर, रोहित, हरमन, नारायण, गौरव किशोर, सुमित, हिमांशु, गौरव बजाज, ह्यूमन और मार्क।